अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट कुकी केक बना रही हूँ। ये मैंने ब्राउनीज़ का बैटर बनाया है। इससे पहले मैंने चॉकलेट चिप डो बनाई है, वो मेरी इससे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अब मैंने ये ब्राउनीज़ का बैटर बना दिया है। तो फर्स्ट लेयर जो है वो कुकी की हम लोग लगाएंगे और उसके ऊपर ओरियो बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर ब्राउनीज़ का मिक्सचर डाल के और हम बेक करेंगे। ये मैंने लिए हैं 8 ओरियो बिस्किट डाले हैं केक में, बीच में लेयर आएगी। ये चॉकलेट चिप कुकी की डो है, इसको बिल्कुल फ्लैट करके हम केक मॉल्ड में लगा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी केक बना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त बना है और मुझे उम्मीद थी कि अच्छा बनेगा। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है और वाकई बहुत मज़ेदार बना। किसी रिलेटिव के घर जाएं, बाहर बेकरी से आप केक लें, उससे बेहतर है कि आप इस तरह बनाकर और लेकर जाएं, तो अच्छा उनको भी अच्छा लगेगा और आपका भी बजट में रहेगा। ये हमने लेयर लगा दी है चॉकलेट चिप कुकी की, थिक सी लेयर है। ये मेरा केक मॉल्ड है, तो ये इतना बड़ा नहीं है, मीडियम साइज़ का है। अब हम ये लगा के अच्छे से और इसके ऊपर ओरियो बिस्किट की एक लेयर लगा के और ब्राउनीज़ का बैटर फैला के और बेक करने के लिए रखेंगे। अब हम ओरियो बिस्किट्स की लेयर लगा देंगे, सेकंड लेयर। नीचे हमने कुकी की लेयर लगाई है। इसी तरह पूरा अच्छे से सारे ओरियो बिस्किट्स फैला दें। ये ओरियो बिस्किट हमने फैला दिए हैं, अब इसके ऊपर हम लोग ब्राउनीज़ का मिक्सचर डालेंगे। सही से फैला देंगे। मैंने वीडियो पहले अपलोड की हुई है, अगर आपको देखना हो तो आप उधर से देख लीजिएगा, बहुत आसान है, जल्दी से ब्राउनीज़ का मिक्सचर बन जाता है। मेरी ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरी बाकी वीडियोस भी देखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हम अच्छे से ये ब्राउनीज़ का फैला के और हम इसको अब 45 मिनट्स के लिए, आप ओवन में रखना चाहे ओवन में रख दें और आप इसको देखिए, मैं किसी पतीले में रखना चाहते हैं तो उधर उसमें स्टैंड रख के उसमें आप रख दें। मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन है,
लेकिन उसमें बहुत वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा वोल्टेज कम होती है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये हमने ब्राउनीज़ की लेयर लगा दी है, तो अब हम इसे 45 मिनट्स के लिए बेक कर देते हैं। ये मैंने प्री हीट किया है, स्टैंड रख दिया है। 10 मिनट पहले हल्की सिर्फ आंच पे मैंने इसको गर्म किया है, और अब मैं इसको अपना ये रख दूँगी, और मैं ये रख के, और मैं इसके ऊपर हैवी चीज़ रख के, और मैं इसको 45 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। माशाल्लाह, ये कितना मज़े का देखे बना है। अभी हम इसे, ये हो गया है, मैंने ये थोड़ा मीडियम फ्लेम से थोड़ा कम फ्लेम पे इसको रखा हुआ था, तो 1 घंटे से ऊपर टाइम लग गया। तो आप ही देख लीजिएगा, अगर थोड़ा सा आपको ऊपर से कच्चा लगे तो फिर आप तब नहीं निकालिएगा। अब ये हो गया है तो मैं इसे निकालती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारा है। अब मैं इसे निकाल के ठंडा करती हूँ।